मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। श्री मिर्जा महबूब बेग, थैंक यू वेरी मच सर। सर, आज जो इशू इस फोरम के सामने है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो अदालत है उसके सामने है, उसमें मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अपना केस रखूंगा। और जैसे सुषमा जी ने कहा था कि मुझे उम्मीद है पूरा सदन जो है, पूरा जो ऐवान है वो सुनेगा। और हम क्या चाहते हैं और कश्मीर में क्या दुख है, क्या तकलीफ है, मुझे उम्मीद है कि आप गौर से सुनेंगे। जब डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने ये कह के कि जम्मू कश्मीर की ऑटोनॉमी, अगर हम उनको ऑटोनॉमी देंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर का जो मसला है ये पॉलिटिकल इशू है एंड इट हैज टू बी एड्रेस पॉलिटिकली। ये सही बात है, एम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ा इशू है, और चूंकि वहां स्टेट गवर्नमेंट के बगैर और कोई ऑप्शन नहीं है एम्प्लॉयमेंट को, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने का ये है, मगर बेसिकली ये एक पॉलिटिकल इशू है जिसको पॉलिटिकली एड्रेस करना है। और जब हम इसको नॉर्थ ईस्ट से, पंजाब से और बाकी स्टेट से कंपेयर करते हैं तो मुझे आप माफ कीजिएगा, फिर आप हिस्टोरिकल जो पर्सपेक्टिव है कश्मीर को, उसको हम या तो समझते नहीं या इंटेंशनली उसको समझने की कोशिश नहीं करते। अभी शरद यादव जी कह रहे थे वो कश्मीर के सबसे टॉलेस्ट, सबसे अनडिस्प्यूटेड लीडर शेख अब्दुल्ला की बात कर रहे थे, शायद डॉक्टर मुरली जोशी जी भूल जाते हैं जब वो बात करते हैं। ये बीजेपी नहीं थी, ये कोई पार्टी नहीं थी, ये हमारी पार्टी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसका लीडर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला था। जब पूरे बरसगीर में, पूरे सब कॉन्टिनेंट में सिर्फ मजहब के नाम पे सोचते थे, मजहब के नाम पे फैसले करते थे, मगर जैसे शरद यादव जी ने कहा, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के बनाने वाले को, जिसको कायद अजम अली मोहम्मद जिना कहते हैं, उसको भगा दिया और हिंदुस्तान की सेक्युलर डेमोक्रेटिक इसके साथ, इस देश के साथ हाथ मिलाया। मगर मैं बताना चाहता हूं, जब आप कश्मीर को कंपेयर करते हैं बाकी रियासतों के साथ, जब जम्मू कश्मीर का इलहाक हुआ, जब जम्मू कश्मीर का एक्सेशन हुआ, जब जम्मू कश्मीर यूनियन का हिस्सा बना, तो उसके लिए बाजाबता नेगोशिएशन हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, एक बाजाबता बातचीत हुई, एक बाजाबता एक रिलेशनशिप के फ्यूचर में क्या रिलेशनशिप होगी जम्मू कश्मीर की विद रेस्ट ऑफ द कंट्री, इसका बाजाबता एक डॉक्यूमेंट बना। और जब ये एक्सेशन हुआ तो फुल्ली ऑटोनोमस जम्मू कश्मीर का एक्सेशन हुआ विद रेस्ट ऑफ द कंट्री। जरा मुझे कोई इस संसद में बैठा ऑनरेबल मेंबर बताए कि और भी कोई रियासत है जहां ऐसी इन बुनियादों पर एक्सेशन हुआ है, और डिप्टी स्पीकर साहब, और शायद कोई रियासत नहीं, शायद नहीं, डेफिनेटली नहीं है जिसका ये एक्सेशन इस तरीके से हुआ। मेहरबानी करके आप सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। मुझे बता दीजिए, जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली जिसमें जम्मू के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जिसमें कश्मीर के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, सेपरेटिस्ट नहीं थे, कोई सेसेशनिस्ट नहीं थे, जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जम्मू से थे, कश्मीर से थे, लद्दाख से थे, उन्होंने यूनानिमस रेजोल्यूशन पास किया कि जम्मू कश्मीर को ऑटोनॉमी देनी नहीं है, ऑटोनॉमी रेस्टोर करनी है। आज कश्मीरी मुझसे पूछता है, आज कश्मीरी मुझसे सवाल करता है, आप लोग यहां बातें करते हैं मगर मुझे कश्मीर जाना है, मुझे उन्होंने वोट दिए हैं, मुझे अपने घर जाना है। आज मुझे वो पूछते हैं, अगर आपने हिंदुस्तान के साथ इलहाक किया तो जिन शर्तों पे किया था, जो ऑटोनोमस, फुल्ली ऑटोनोमस जम्मू कश्मीर ने इलहाक किया था, आज वो ऑटोनॉमी कहां है? मुझे कश्मीर का रहने वाला आज पूछता है, जब मैं वहां जाता हूं,
मेरे भाइयों आप सुन लीजिए, जब मैं वहां जाता हूं वो कहते हैं जिस जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली की आप बात करते हैं उस जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के रेजोल्यूशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैसे डस्टबिन में फेंक दिया। मुझे इन बातों का सामना करना पड़ता है, मुझे इन बातों का जवाब देना पड़ता है। और कश्मीर रियासत जम्मू कश्मीर वाहिद द ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट जिसने ये जिसने आंखें खोल के ये फैसला किया था कि वो नेहरू गांधी मौलाना अबुल कलाम आजाद के हिंदुस्तान के साथ रहेगा और हमेशा रहेगा, मगर बदले में उसे क्या मिला। अब मैं आपको ऑनेस्टली बताना चाहता हूं, मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहता हूं। और कोई भी हल जब तक आप इस पॉलिटिकल मसले का हल पॉलिटिकली नहीं करोगे, जरा मुझे एक बताएं, एक मेंबर ऑनरेबल मेंबर, अगर आपकी असेंबली की करारदाद को अगर आपकी असेंबली के रेजोल्यूशन को इस तरह रिजेक्ट किया जाए तो आप कैसा फील करेंगे। मुझे जम्मू कश्मीर में जवाब देना है। और मुझे बड़ा दुख हुआ, यहां मैंने बाकी अपने साथियों की तकरीरें सुनी, बड़ी खुशी हुई, मगर जब वहां से यह आई कि नहीं इनको जूते दो ये सेपरेटिस्ट हैं, मैं कहता हूं हम कहां जाएं। शायद इसी के लिए शायर ने कहा था न वहां का रहा न यहां का रहा न खुदा ही मिला न वसाले सनम। आप मुझे पाकिस्तानी समझते हैं और वहां मेरी कब्र महफूज नहीं, वहां मुझे हिंदुस्तानी समझते हैं। मैं जाऊं तो किधर जाऊं, आप मेरा फैसला कर लीजिए। आप इसका मुकाबला और रियासतों के साथ मत कीजिए। क्यों, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नागा रिबेल से बातचीत नहीं करते हैं? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिर्फ देश में नहीं देश से बाहर भी डिग्निटी से उनसे बातचीत करते हैं? और जब उनको ऑटोनॉमी दी जाती है, जो प्रिंट मीडिया में आया उन्होंने ऑटोनॉमी रिजेक्ट की, फिर भी उनसे बातचीत होती है, तो क्या वजह है? मुझे वापस कश्मीर जाना है। क्या वजह है जब कश्मीर में ये बात होती है तो उनसे भी इसी तरीके से इज्जत और सर बुलंद करके उनसे बातचीत नहीं की जाती? और जब तक ये नहीं होगा, हम लाख यहां तकरीरें करें, हम लाख यहां बातें करें, कश्मीर का मसला सियासी तौर पे जब तक हल नहीं होगा, और जहां तक मेरी पार्टी का सवाल है, जहां तक मेरी पार्टी के कमिटमेंट और कन्विक्शन है, जिन बुनियादों पे हम इस देश का हिस्सा बने हैं उन बुनियादों को वापस लुटाना होगा, तब तक बहुत मुश्किल है मेरे लिए भी। मैं कन्विक्शन से, मेरी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस कमिटमेंट और कन्विक्शन से यहां खड़ी है जहां आज है, मगर मेरे लिए अगर आप वहां सहूलियत करना चाहते हैं, अगर वहां आराम मुझे देना चाहते हैं, अगर मेरी बात मेरी फिलॉसफी मेरी कन्विक्शन मेरी कमिटमेंट को वहां सर बुलंद करके वहां सर उठा के बात करने के जाते हैं, तो फिर आपको ये एड्रेस करना पड़ेगा और इसके बगैर कोई दूसरा हल नहीं। आप मुझे बता दीजिए किस रियासत में यह होता है, डिप्टी स्पीकर साहब आप मुझे माफ करेंगे, किस रियासत में यह होता है? हमारी रियासत रियासत जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा वाटर रिसोर्सेज जो नेचर ने दिए हैं वो जम्मू कश्मीर में है। और अगर हमारा कंट्रोल अपने वाटर पे होता तो न सिर्फ हम सेल्फ सफिशिएंट होते जम्मू कश्मीर के लोग, मगर हम देश की जो बाकी रियासतें हैं उनको भी दे सकते थे, मगर इंडस वाटर ट्रीटी के तहत हमारे अपने पानी पे कंट्रोल नहीं और वो सारा पानी पाकिस्तान को जाता है जिसको आप हमारा हमदर्द समझते हैं, और वो हमदर्द चुपचाप हमारा पानी इस्तेमाल करता है। और इस वक्त क्या है, इस वक्त पूरा जम्मू कश्मीर अंधेर नगरी बनी हुई है, रोशनी की एक किरण नहीं है। हम नहीं कहते हैं कि उस इंटरनेशनल ट्रीटी को स्क्रैप करें, मगर उस इंटरनेशनल ट्रीटी के तहत जो जम्मू कश्मीर का नुकसान हुआ, क्या यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फर्ज नहीं कि हैवी कंपनसेशन रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को दी जाए कि उनका अपना पानी होने के बावजूद अपने पानी पर कोई कंट्रोल नहीं? पंजाब के पानी अपने पास रखे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मगर रियासत जम्मू कश्मीर का सारा पानी जो हमारी सबसे बड़ी ताकत थी उसको पाकिस्तान के हवाले किया। हम कंपनसेशन चाहते हैं तो ये किस सेपरेटिस्ट की बात हुई? हम कुछ नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं आप मुझे बता दीजिए, अभी मैं प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, अभी उन्होंने बयान में कहा, उन्होंने कहा कि हम कश्मीर की एलिनेशन को दूर करेंगे। आप देख लीजिए कितना अच्छा वहां इसका इंप्रेशन रहा। उन्होंने कहा कश्मीर में जो इमोशनल प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करेंगे, देखिए उसका कितना अच्छा इंप्रेशन है। मगर उन्होंने कहा हम ऑटोनॉमी पे बात करेंगे अगर ये इन द गैम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आया, हम बात करेंगे अगर इस पर कंसेंसस हुआ, इस पर जो है ट्रस्ट डेफिसिट जो है कश्मीरी और रेस्ट ऑफ द कंट्री के वो बढ़ता जाता है।
क्योंकि ये बिल्कुल गैम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है और प्राइम मिनिस्टर इस बात से इग्नोर नहीं हो सकते हैं, इग्नोरेंट नहीं हो सकते हैं। ये बिल्कुल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑटोनॉमी है और एक लफ्ज भी ऑटोनॉमी का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं है। ये बातें जो हैं, ये ट्रस्ट कृपया समाप्त करें। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं खत्म कर रहा हूं। हमारी कमेटीज बनी, हमारे प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कमेटीज बनाई, वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो कमेटीज नहीं बनाई, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कमेटीज बनाई, उन्होंने रिकमेंडेशंस दी, आज तक उन रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। हमसे कश्मीरी पूछ रहा है, कहते हैं अगर आपके प्राइम मिनिस्टर ने खुद कमेटीज बनाई, उन्होंने रिकमेंडेशंस दी और वो रिकमेंडेशंस इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रही है। इससे जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है। मैं आपके नोटिस में कुछ बातें लाना चाहता हूं। एक कमेटी ने कहा 390 मेगावाट जूल हस्ती हाइडल पावर प्रोजेक्ट एनएचपीसी से स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया जाए। यह कौन सी खतरनाक बात है, इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। इससे जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो बढ़ता जाता है। अगर यह कमेटी बनी, अगर उसने कहा कि ये वापस स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर करो, अगर ये ट्रांसफर नहीं होता है और हम कहते हैं कि इसको ट्रांसफर करो, ये आपकी कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं, तो हम कैसे सेपरेटिस्ट हुए। ये इकोनॉमिक फ्रंट पे मैं कह रहा हूं आपसे, कई बातें जो उन्होंने राजा रंगन कमेटी फिर से बनी, तीन बार ऑलरेडी राजा रंगन कमेटी में इफ आई एम नॉट रॉन्ग उन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी, जो टास्क फोर्स बना कि उनको इम्प्लीमेंट करो, आज तक वो रिकमेंडेशंस इम्प्लीमेंट नहीं हुई। तो सर मैं जानना चाहता हूं, अगर ये सिचुएशन हो, अगर इस तरह से कश्मीर हैंडल हो, तो मुझे माफ कीजिएगा, हम यहां पे कितने डिस्कशन करें, कितने डिबेट करें। वो जो यूथ है, किसी मेरे यहां साथी ने कहा कि वहां जो यूथ है उनको पैसे देके पेल्टिंग की जाती है, ये दुनिया के किस कोने में होता है कि मां जिसका सब कुछ अपना बेटा होता है उसको आप 500 रुपए देके, अगर हम इस तरह से इन चीजों को दफन करें, अगर हम इस तरह से इन पे बात नहीं करें, इनको इग्नोर करें, तो दुनिया की कोई ताकत फिर कश्मीर को इधर नहीं रख सकती है। कोई बेटा अपनी मां के हाथ में का पत्थर नहीं देता है। ये एक पॉलिटिकल इश्यू है, इसको पॉलिटिकली एड्रेस करना पड़ेगा और जब तक ये एड्रेस नहीं होगा, बदकिस्मती से एलिनेशन बढ़ती जाएगी, एलिनेशन दूर नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच सर।